भगवान, अब क्या कर दिया इस लड़की ने? ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? फिर से एक और पिंपल। अरे क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही है? क्या हुआ है बता? देखो ना मम्मी, मेरे फेस पे क्या हो गया, फिर से एक और पिंपल। पता नहीं हर बार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। पिछली बार भी एक पिंपल हुआ था और उसको जाने में पूरे एक महीने लग गए थे, और देखो अब फिर से एक हो गया है और इसको भी ठीक होने में एक महीने लगेंगे। मम्मी मुझे अपने फेस पे एक भी पिंपल नहीं चाहिए, प्लीज आप कुछ करो ना। ले इतनी सी बात? मम्मी आपको ये इतनी सी बात लग रही है? हाँ आपको तो इतनी सी बात लगेगी ना, ये पिंपल आपके फेस पे थोड़ी ना हुआ, ये तो मेरे फेस पे हुआ है, जो होगा मेरे साथ होगा, आपका क्या जाता है? चुप कर, एकदम चुप। अरे इतना बड़ा तो पिंपल नहीं हुआ है, जितनी बड़ी तूने परेशानी बना दी है। बेटा तेरी उम्र के टीनेजर बच्चों में ये प्रॉब्लम कॉमन होती है, और अगर अब तू इस छोटी सी परेशानी को लेकर रोती रहेगी तो रोती ही रहेगी। अरे तो मम्मी फिर और क्या करूँ, मेरे पूरे चेहरे की स्किन खराब हो जाएगी और फिर सारे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे, मैं क्या करूँ? हाँ एक काम करती हूँ, मैंने इसको फोड़ देती हूँ। अरे नहीं 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 बेटा, इसको छेड़ियो मत, अगर तू इसको छेड़ेगी या फोड़ेगी ना तो ये तेरे फेस पे और ज्यादा होंगे। हाँ मम्मी ऐसा भी कुछ होता है तो मम्मी मैं क्या करूँ, ये कैसे जाएगा मेरा पिंपल? हाँ यूट्यूब कब काम आएगा, यूट्यूब करती हूँ। अरे 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 ये लड़की भी ना जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे इसके ड्रामे मेरी समझ से बाहर होते जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों का पहाड़ बना देती है। पगलेट कहीं की प्रॉब्लम मेरी बड़ी है, भाई मेरी बड़ी है, साले मेरी बड़ी है, अबे मेरी बड़ी है। बी कॉन्फिडेंट सिब्बू, दुकान वाले भैया से जाके सिर्फ पैड ही तो खरीदना है, इतना तो तू खुद भी कर सकती है। ठीक है तू कर सकती है सिब्बू, कम ऑन सिब्बू कम ऑन। यस मैं कर सकती हूँ, ठीक है ट्राई करते हैं। भैया देना। शिट यार क्या देना, वो डालना तो इसमें भूल ही गई। ठीक है फिर से ट्राई करती हूँ। भैया वो देना। शिट यार वो क्या देना, भैया पैड देना। हाँ ये बोलना है मुझे, पैड देना। फिर से ट्राई करते हैं। सिब्बू पैड देना। अबे यार सिब्बू क्या कर रही है तू, अरे खुद से ही पैड क्यों मांग रही है? भैया से मांगना है। हाँ भैया पैड देना। हाँ ये ठीक है, बोल दिया मैंने। ठीक है भैया पैड देना, अब मैं मेडिकल स्टोर पे जाऊंगी, खुद से पैड खरीद कर लाऊंगी और मम्मी को दिखाऊंगी कि मैंने खुद से पैड खरीदा है। वाव यार। अरे मैडम देना क्या है, 15 मिनट से मुझे ही घूरे जा रहे हो। भैया अब वो क्या, वो अब भैया वो ना। अरे क्या भैया, कोई नाम होगा, कोई चीज होगी, क्या लेना है? अरे सिब्बू दीदी आप यहाँ? अबे यार ये कांचा का भाई यहाँ क्या कर रहा है, अब इसके सामने कैसे लूंगी। कौन दीदी, कौन है तू? अरे दीदी मैं। अरे ये इनको क्या हो गया, मुझे पहचानना भी नहीं और ये मेरे आते ही भाग गई। लड़की को शक्ल पसंद नहीं आई होगी तेरी, मुझे तो 15 मिनट से घूरे जा रही थी। अरे भैया आप अपना काम करो ना, आप मुझे पैरासिटामोल दो। हाँ।
थैंक गॉड बच गई। अगर ये रितिकास देख लेता ना तो पूरे स्कूल में खबर फैला देता। यार इतना भी इजी नहीं होता पैड लेना जितना मैंने सोचा था। खैर छोड़ो, मम्मी को बोल दूंगी, मम्मी लेकर आएंगी, मेरे बस की नहीं है। जी मैम बताइए, इसने फिर से कोई बदतमीजी की? ये लीजिए खुद ही देखिए। मैम ये तो किसी बच्चे की टेस्ट कॉपी है जिसको बिल्कुल जीरो मार्क्स मिले हैं। मैम ये किसी और बच्चे की टेस्ट कॉपी नहीं है, ये आपके बच्चे की टेस्ट कॉपी है। और ये बात आपकी बच्ची बहुत अच्छे से जानती थी कि उसको जीरो मार्क्स मिलने वाले हैं, इसलिए इसने इस टेस्ट कॉपी पे किसी और बच्चे का नाम लिख दिया। और जब टीचर ने हैंडराइटिंग मैच करी तो पता चला ये आपके बच्चे की कॉपी है। मैम मैं क्या बताऊं आपको, मैं खुद इस नालायक से परेशान हूँ। बताओ इसको नकल मारनी भी नहीं आती। एक हमारा टाइम था, हम नकल भी मार लिया करते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। मैम आप नकल छोड़ो, इसके मार्क्स तो देख लो, डफर से डफर बच्चों के भी 4, 3, 2 एटलीस्ट एक मार्क्स तो आए हैं, पर इसका तो डब्बा ही गोल है। क्या है ये? हाँ नहीं, क्या है क्या ये? तेरे मार्क्स ऐसे कैसे आए हैं, जीरो कैसे आए हैं? मैंने तुझे कभी पढ़ाई से रोका है? हाँ नहीं, मुझे तू आज बता ही दे, तुझे मैंने पढ़ाई के अलावा कभी एक घर का काम बोला हो? Better quality product because the supervisor and workers. Sibbu, बेटा पढ़ाई कर रही है? हाँ मम्मी। अरे बेटा बोना, आज घर में साफ सफाई थोड़ी ज्यादा करनी है, मैं अकेले कब से लगी पड़ी हूँ, थोड़ा मेरा हाथ बटवा ले। अच्छा ठीक है मम्मी, चलो। आज द सिटी एरिया एज लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट हैज गॉट मैनी नेगेटिव। अरे बेटा पढ़ रही है क्या? हाँ मम्मी। अरे बेटा आज ना घर में बर्तन थोड़े ज्यादा हैं और मेहमान भी आने वाले हैं, अपनी मम्मी का थोड़ा हाथ बटवा ले। अच्छा ठीक है मम्मी, चलो। When the receiving department is not involved, it's typical called. Sibbu बेटा पढ़ रही है क्या? हाँ मम्मी। अरे बेटा वो आज ना कपड़े थोड़े ज्यादा हैं, तो मशीन में कपड़े लगा के मम्मी का थोड़ा हाथ बटवा दे। अच्छा ठीक है मम्मी। बोल क्यों नहीं रही है, बोल ना। नहीं नहीं मम्मी, कभी कोई काम नहीं करवाया, वो तो बस हम टीनेजर ही समझ सकते हैं। मम्मी आज ना आपने पराठे एकदम मस्त टेस्टी बनाए हैं। हैं? अच्छा रुक एक और लाती हूँ। अरे मम्मी बस और नहीं खाना मुझे, और मुझसे नहीं खाया जाएगा। चुप कर, खा चुपचाप इसे। मम्मी सच्ची अब मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बची है, मुझसे और नहीं खाया जाएगा। अरे लेकिन अभी तो तूने बस एक ही पराठा खाया है, इतने में तेरा पेट भर गया? तुम आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं खाना खाते हो या खाने को सूंघते हो। और ये दूध का ग्लास ये कौन खत्म करेगा? मम्मी देखो दूध नहीं, आपको पता तो है मुझे दूध पीना पसंद नहीं है। है? दूध नहीं पसंद? दूध तो तुझे खत्म करना ही पड़ेगा। तभी तो मैं कहूँ कितना भी मैं तुझे खिला दूँ पता नहीं तेरे शरीर में क्यों नहीं लगता, और लगेगा भी कैसे, रो रो के खाने की आदत जो है। अरे मम्मी मैं ठीक तो हूँ, और कितना लगेगा? चुप कर तू। एक मिश्रा जी की लड़की को देख लो, खा पी के लड़की एकदम तंदुरुस्त रहती है, और एक तुझे देख लो, तेरे तो नखरे ही नहीं खत्म होते। देखो मम्मी प्लीज ना, देखो दूध नहीं, मैं पराठे खा लूंगी पर दूध नहीं। अरे क्या प्लीज नहीं मम्मी, अरे वो मिश्रा जी की लड़की को देख लो, एक सांस में लड़की पूरा दूध खत्म कर देती है, और एक तुझे देख लो। अरे बेटा अगर तू दूध नहीं पिएगी तो तेरी बुद्धि कैसे तेज होगी, तू क्लास में टॉप कैसे करेगी? हाँ पी उसे चुपचाप पी। देख ऐसे खत्म करते हैं दूध, पी लिया ना।
गाइस, आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है क्या? ये मेरे साथ ही होता है। वाह बेटा वाह, बस सारा दिन बेड पे बैठे बैठे फोन और मुंह चलाती रही हो। पेट देख अपना, कपड़े फाड़ के बाहर आ रहा है। अब क्या मैं तुझे दोबारा नए कपड़े दिलाऊंगी? बेटा सोचियो भी मत, तेरे अगले जन्मदिन से पहले मैं तुझे एक भी कपड़े नहीं दिलाने वाली। यार मम्मी, इतनी जल्दी तो सेकंड्स भी नहीं बदलते जितनी जल्दी आप बदल जाती हो। अभी आप सुबह ही तो बोल रहे थे कि तू कुछ खाती नहीं है ठीक से, कुछ खाया पिया कर, और अब जब खा रही हो तो आप कह रहे हो कि तू बस खाती रहती है। अरे मम्मी, मैं करूँ तो करूँ क्या? आप ना पहले डिसाइड कर लो कि मैं खाती हूँ या नहीं खाती हूँ। अच्छा, अब तू जुबान भी चलाना सीख गई है। बेटा तू कुछ खाए या ना खाए, लेकिन मेरी चपेट जरूर खाएगी। और ये क्या सारा दिन फोन फोन फोन? एक मिश्रा जी की लड़की को देख लो, सारा दिन किताब से बाहर झांकती नहीं है। और एक तुझे देख लो, सारा दिन फोन लेकर टिपिट 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 क्या करती रहती है? यार मम्मी, एक तो आप जब देखो तब मेरा कंपैरिजन उस मिश्रा जी की लड़की से करते रहते हो। अरे यार, वो है किताबी कीड़ा, मुझे नहीं लगता अच्छा पढ़ना। और एक काम करो, आप ना उस मिश्रा जी की लड़की को गोदी ले लो। जादू, बदतमीज कहें कि चुपचाप किताबें उठा के पढ़ाई कर ले, वरना अभी तो सिर्फ एक चप्पल पड़ी है, अगली बार तेरी हड्डियां ना चिमटा बेलन झाड़ू वाइपर सबसे तोड़ूंगी। यार एकदम, मुझे पता नहीं, जब देखो तब घर में मारते ही रहते हैं। मतलब घर में छोटी हो तो सब मारते ही रहेंगे क्या? बचपन से लेके आज तक मुझे घर वाले मारते ही आए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे घर में कोई प्यार ही नहीं करता। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग मेरे माँ बाप ही नहीं है, मुझे सच में ये मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर लाए हैं। जब ये मेरे अपने खुद के माँ बाप ही नहीं है तो मेरा जीने का क्या फायदा? नहीं नहीं, मैं क्यों मरूं? मरने वाले तो कायर होते हैं। मैं तो घर छोड़कर जाऊंगी। जब मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी ना, तब इनको मेरी कदर होगी, तब इनको मेरी अहमियत पता चलेगी। हाँ, अब मैं घर से भाग जाऊंगी और इनकी एक फूटी कौड़ी लेके नहीं जाऊंगी, खुद कमाऊंगी खुद खाऊंगी। बाहर मुझे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, भीख मांग के अपना पेट भर लूंगी, फुटपाथ पे सो लूंगी, पर घर वापस लौट कर कभी नहीं आऊंगी। आज मुझे फोन और खाने के लिए डाटा है ना, अब मैं खुद से पैसे कमाऊंगी और खुद के पैसों से अपना फोन लूंगी। सिब्बू आजा, पापा मोमोज लेकर आए हैं। क्या पापा मोमोज लेकर आए हैं? यार मोमोज तो मेरे फेवरेट हैं। एक काम करती हूँ, अभी जाके मोमोज खा लेती हूँ, कभी और भागने की प्लानिंग बनाऊंगी। तो कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आपने ये वीडियो इंजॉय की होगी और इंजॉय के साथ साथ रिलेट भी की होगी। और अगर सच में रिलेट करी है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना। और ये वीडियो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बनाई है, थोड़ा तो स्क्रिप्टिंग है, बट थोड़ा मैंने मतलब जो एक्सपीरियंस किया था अपनी एज में जब मैं टीनेज थी, तो उससे रिलेट करके बनाई है। तो प्लीज़ मुझे मेरा जो आइडिया था आपको कैसा लगा वो प्लीज़ कमेंट्स करना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब से याद आया कि गाइज अपने 4 मिलियन कंप्लीट होने वाले हैं। तो आपको पता ही है कि मैंने अनाउंसमेंट करी थी रचित के ब्लॉग पे, अपने ही ब्लॉग पे भी, कि जैसे ही मेरे 4 मिलियन हो जाएंगे तो मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सीरीज लेके आने वाली हूँ। कुछ लोगों ने तो गेस भी कर लिया होगा, तो वो गेस जो आपने कर लिया है वो मुझे कमेंट्स में बता देना, मुझे पता तो चले कि आपने गेस सही किया है या नहीं। और अपनी सीरीज़ की स्क्रिप्ट भी पूरी रेडी है। यार मैं तो यहाँ व्लॉग करने लगी। चलो गाइस, बाय बाय, आई लव यू। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना।